हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसमिंग में आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं, काउंटिंग फिगर शॉर्टिक के साथ में। और आज का हमारा टाइप फर्स्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल, कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहला हमारा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टू एडवांस करेंगे शॉर्टिक के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। तो एक तो होती है काउंटिंग करके करते हो आप, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिंपल सिचुएशन में आप काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसमें आप काउंटिंग कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे आपको काउंटिंग करनी है। यहाँ पे कितने हैं भैया आपके पास, काउंटिंग करते हैं तो कितने ट्राइंगल है, तो एक और दो दोनों को एड कर दो तो कितने हो जाएंगे भाई, टोटल थ्री। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको काउंटिंग करनी है, जितने ट्राइंगल है उतने 1 2 3 आप सभी को ऐड कर दो, 3 और 2 5 4 1 6। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं भाई आपको, 4। सभी को ऐड करेंगे कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। मतलब ये यहाँ से और यहाँ तक के कितने ट्राइंगल हो गए, 10। अब इस लाइन को एक मिनट के लिए भूल जाओ कि है नहीं यहाँ पे, फिर आप ये यहाँ से यहाँ तक के चेक करोगे, 1 2 3 4, ये कितने होंगे, 10। फिर इस लाइन को एक मिनट के लिए सोचो कि है नहीं, फिर यहाँ से कंप्लीट आप चेक करोगे तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4, तो ये कितने होंगे, 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए आपके, 30। 10 10 10, यानी 30, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले देखो ये लाइन है सिर्फ इन दो ट्राइंगल्स के ऊपर है, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 और 2, कितने हो गए भाई ये, 3। फिर ये लाइन भी इधर दो ट्राइंगल्स के है तो 1 और 2, ये कितने हो गए भाई, 3। अब ये हमारे सोल्व हो गए, अब इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे, 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए भाई, 10। 10 ये, 3 ये, 3 ये, टोटल कितने हो गए भाई, 16, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल में क्वेश्चन 5, ये थोड़ा सा अलग टाइप है ट्राइंगल में। तो जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका यहाँ पे मेन वर्टेक्स है और एक आपका ये मेन वर्टेक्स है, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस निकल रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से साइड काउंट करनी है, कितनी साइड, अभी इधर से देखोगे तो 1 2, इधर से 2 आ रही है, जब इधर से काउंट करोगे तो 1 2, इधर से भी 2 आ रही है। जब दोनों तरफ से नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो तो वहाँ पे ट्रिक है शॉर्ट बिल्कुल ही, 2 का क्यूब कर देना है, 2 का क्यूब करोगे तो क्या जाएगा भाई, 8, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, ये आपका मेन वर्टेक्स हो गया क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ साइड निकल रही है, ये आपका मेन वर्टेक्स हो गया क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ साइड निकल रही है। तो यहाँ से आप साइड काउंट करोगे 1 2 3 4, कितनी है भाई, 4। इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4, इधर भी 4 है, तो क्या करोगे, 4 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे आपका मेन वर्टेक्स और ये मेन वर्टेक्स, इधर से साइड काउंट करते हो तो कितनी है भाई, 3। इधर से साइड काउंट करते हो तो कितनी है भाई, 4। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्यूब तो नहीं कर सकते। तो एक बार तो इससे को मेन वर्टेक्स मान के यहाँ से जब देखो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 4 और 3 7 2 9 और 10, कितने हो गए भाई, 10। ठीक है, फिर यहाँ पे ये यहाँ से इस लाइन तक सोल्व कर लिया हमने, इस लाइन को भूल जाओ, फिर यहाँ से इस लाइन तक सोल्व करेंगे तब कितने होंगे, 10। और फिर इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो कितने होंगे भाई, 10। ठीक है, फिर अब इसको मेन वर्टेक्स मान के जब आप काउंटिंग करते हो तो कितना होगा भाई, 1 2 और 3, यानी कितने हो गए भाई ये, 6। फिर ये इस लाइन तक सोल्व करोगे तो कितने होंगे भाई, 6। ठीक है, फिर इस लाइन तक सोल्व करोगे तो कितने होंगे, 6। इस लाइन तक सोल्व करोगे तो कितने होंगे, 6, क्योंकि ये आपका मेन वर्टेक्स है, फिर इस लाइन तक सोल्व करना है। तो 1 1 2 3, 3 ट्राइंगल आपको दिख रहे, ऐड करेंगे तो 6 हो गया। फिर इस लाइन तक सोल्व करोगे 6, इस लाइन तक सोल्व करोगे 6, इस लाइन तक सोल्व करोगे 6, टोटल कितने हो गए भाई, 24। 30 तो ये हो गए आपके पास और 6 है ये, 4 टाइम्स ये है, तो 24 ये हो गए, कितने हो गए भाई, 54। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो कॉमन वर्टेक्स दिख रहे हैं इनको माइनस करना है, तो कितने है भाई, 1 2 3, इन दोनों मेंस को छोड़ के बाकी जो भी वर्टेक्स है उनको माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इन मेंस दो वर्टेक्स को छोड़ के बाकी कितने हैं भाई, 12।
तो इसमें से 12 माइनस कर दो, आपका आंसर कितना होगा 42, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। भाई यहाँ पे आपका क्या है, ये मेन वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लाइन आके जिस पॉइंट पे मिलती है वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो ये आपका हो गया भाई मेन वर्टेक्स। अब यहाँ से देखो काउंटिंग करो इधर 1 2, तो ये कितने हो गए भाई 3। अब यहाँ पे काउंट करोगे 1 2, तो ये कितने हो गए 3। अब यहाँ पे काउंटिंग करोगे 1 2, तो ये कितने हो गए 3। इसको मेन वर्टेक्स मान के 3 ये 3 ये 3 है। फिर आप इसको वर्टेक्स मानोगे तो यहाँ से आपके पास कितने होंगे भाई, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। यानी इसको जब मेन मानते हो तो कितने होंगे भाई 2। जब इसको आप मेन वर्टेक्स मानते हो तो एक तो ये वाला ट्राइंगल, एक ये नीचे की तरफ ट्राइंगल, तो इसमें भी 2 हो गए। इसको जब मेन वर्टेक्स मानते हो तो देखो एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ से कितने हो गए 2। ऐड कर लो 3 3 और 3 कितने हो गए भाई 9। 9 के बाद 6 ये ऐड कर दो, 9 और 6 कितने भाई 15, और एक ही कंप्लीट पूरा 16। तो आपका ऑप्शन क्या होगा डी। नेक्स्ट है, इसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी कोई क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व ट्रिक्स में करेंगे, तो यहाँ पे काउंटिंग कर लो आप 1 2 3 4 जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं उतने काउंटिंग कर लो, तो कितने हो गए भाई ये 10। अब ऐसे नीचे वाले भी काउंट कर लो, ये मेन वर्टेक्स आपका 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए भाई 10। अब आधे बच्चे क्या करते हैं 10 और 10 20 कर लेते हैं, नहीं, अब ये 10 तो हाफ ऊपर वाले हैं, ये 10 हाफ नीचे वाले। फिर देखो कि इन दोनों को मिलाने से भी कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, तो इन दोनों को मिलाने से देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना इधर ऐसे, और एक फिर कंप्लीट ये पूरा बन गया, तो इधर कितने हो गए भाई 2 उधर होंगे, तो टोटल कितने हो गए भाई 4, तो 10 और 10 20 और 4 24, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताने हैं, तो जहाँ पे ट्रिक अप्लाई होती है सबसे पहले वो अप्लाई करो, तो ट्रिक अप्लाई करेंगे 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए भाई 10। ठीक है, इसको मेन वर्टेक्स मान के यहाँ तक के सोर हो गए 10। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 2 3, ये आपका मेन वर्टेक्स, ये कितने हो गए भाई 3, ये कितने हो गए 10। अब देखो भाई 10 ये और 3 ये 13, अब ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, तो 13 तो सीधे सीधे हो गए, फिर ये वाला 14, ये वाला 15, फिर इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये कितना हो गया भाई 16, इसको और इसको मिलाने से और इसको इसको मिलाने से 17। ठीक है, 17 के बाद फिर क्या हो गया भाई आपका, यहाँ पे चेक करो देखो ये वाला 17 के बाद 18, ये इधर 19, और एक ये पूरा 20 हो गए। फिर इसके बाद देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपका 21, फिर ये हो गया 22, और एक ही कंप्लीट 23, और एक इधर ही कंप्लीट 24। आपका ऑप्शन क्या होगा भाई ए 24। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ट्रिक अप्लाई हो रही है, ये यहाँ पे 1 2, तो कितने हो गए 3, 1 2, तो कितने हो गए भाई 3, यानी ये टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6, ऐसे 6 आपके नीचे होंगे 1 2 यानी 3, 1 2 यानी 3, तो टोटल कितने हो गए भाई 6, 6 ऊपर 6 नीचे। फिर आपके पास चेक करना है आपको बीच में, अब बीच में भी देखो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई हो रही है, इसको मेन वर्टेक्स मानते हैं तो 1 2, तो ये कितने हो गए भाई 3 हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। इसको मेन वर्टेक्स मान के करेंगे 1 2, तो ये कितने हो गए भाई 3, तो 3 ये हो गए। अब देखो 6 और 6 12, और 3 और 3 6 कितने हो गए भाई 18 तो हो गए। अब देखो यहाँ पे एक ये वाला बन रहा है 19, और एक नीचे बन रहा है 20, तो आपका ऑप्शन क्या होगा भाई बी।